करने के लिए एन इकुट्टी सिस्टर है, वो हमको वर्शिप में चलाएंगे। सिस्टर एन इकुट्टी वो गीत यस गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जयकारम सुन तेरी गाते गाते सारे जगान को सुनाते सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यही सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यही सुनाते सारे जगह का सहारा सहारे डूबे का किनारा किनारा नैया हमारी डोले डोले मौजों में किलोरे किलोरे ले चल किनारे ले जा गंगा तुम जी ले जा हम सब को पार लगा दे ले चल किनारे ले जा गंगा तुम जी ले जा हम सब को पार लगा दे मिलकर हम पन्ना तेरी गाते गाते सारे जगह को सुनते सुनते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यही सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हमें सुनाते चारों तरफ हटाए हटाए तंदूर बाती चाय चाय सुले गई ओ किनारा किनारा तू ही हमारा सहारा सहारा ले चल किनारे ले जा बंदा तुम जी ले जा हम सब को पार लगा दे ले चल किनारे ले जा बंदा तुम जी ले जा हम सब को पार लगा दे निकारम सुन तेरी गाते गाते सारे जगह को सुनाते सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यही सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यही सुनाते प्रभु में जीवन हमारा हमारा कष्टों में जय रहा है प्रभु में जीवन हमारा हमारा कष्टों में कैसे बजे के सारे सारे हमारे हमारे तू ही हमारी आशा तू ही हमारा राजा हम सब को पार लगा दे तू ही हमारी आशा तू ही हमारा राजा हम सब को पार लगा दे तेरी गाते गाते सारे जगह को सुनते सुनते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यही सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यही सुनाते धन्यवाद सिस्टर, आपने बढ़िया गीत गाया। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते सारे जगत को सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी। धन्यवाद सिस्टर जी। अभी हम वचन की ओर जाएंगे। हमारे साथ पास्टर साहब बाबू सैमुएल है, वो हमको वचन से बात करेंगे। बाबू सैमुएल पास्टर। आमेन। थैंक यू। आइए मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हमारे हाथ ऊंचा कर अपना अपना स्थान पर हालेलुया प्रभु की महिमा करें। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु जीसस हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। आज का इस ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन का चलाने वाला प्रभु का दास अहमद नगर से जुड़ा है। प्रभु का प्रिय दास बहुत अच्छा से अगुवाई किया। प्रभु का दास को प्रभु आशीष दे।
और प्रभु के दासी दास लोग जितने जुड़े हैं, आप प्रत्येकों को प्रभु जरूर आशीष और अनुग्रह दें, ये मेरी इच्छा और प्रार्थना है। खास तौर पर ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन का संचालक प्रभु का प्रिय दास साजन ब्रदर, हालेलुया सक्रिय ब्रदर और बिजी सिस्टर और उनके बच्चे मम्मी जी और बाकी भाई बहन, आदरणीय प्रभु का दास पास्टर कुरियन चरियान, आंटी और बाकी सारे बच्चे सबको मैं यीशु प्रभु के नाम से बरोड़ा से वंदना करता हूँ। आमेन। प्रभु आप प्रत्येक को आशीष दे इस प्रार्थना ऑनलाइन प्रार्थना हर दिन आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर सहायता करते हैं, कई भाषा में चलाने के लिए प्रभु मदद करते हैं, और प्रभु का दास ही जो पूरा विश्व के देशों का नाम लेकर जो प्रार्थना किया है ये मामूली बात नहीं है। जैसे आपने भी सुना होगा हमें प्रार्थना के द्वारा विश्व को स्पर्श कर सकता है। हालेलुया, ये तो सच में हो रहा है। वी आर प्रेजेंटिंग द होल नेशंस बिफोर गॉड थ्रू प्रेयर। हमारा प्रार्थना के द्वारा हम पूरा विश्व को परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं और प्रार्थना करते हैं, जरूर उसका असर पड़ेगा, हम विश्वास करते हैं। हालेलुया, क्योंकि मुड़ कर देखेगा तो पिछले सालों से जो प्रार्थना किया हुआ कई विषयों का उत्तर प्रभु ने हमको दिलाया है। अब बाकी जो जो है वो भी जरूर परमेश्वर दिलाने वाला है। इसलिए प्रार्थना में जितने प्यारे लोग प्रभु के दासी दास लोग जो गांव से हो या शहर से हो जुड़े हो, आपका सेवा व्यर्थ नहीं, आपका कार्य व्यर्थ नहीं, वो प्रतिफल लाने वाला है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी प्रार्थना में लगे रहना और स्तुति आराधना में लगे रहना है, क्योंकि हमारा हर एक शब्द जो मुंह से निकलती है वो परमेश्वर स्वीकार करते हैं स्वर्गदूतों के द्वारा। हमें स्तुति का बलिदान चढ़ाने वाले लोग परमेश्वर के तरफ से जरूर आशीष पाने वाला है। प्रार्थना भी एक सुगंध बन जाता है, स्तुति आराधना भी एक सुगंध बन जाता है जो परमेश्वर उसको स्वीकार करते हैं। यही हमारा खूबी है। दुनिया का कोई बड़े बड़े लोगों को सुनाने के लिए नहीं, दुनिया के कोई लोग ये शायद हमसे जोड़कर सुनते भी नहीं होंगे, लेकिन सारी दुनिया का सृष्टिकर्ता हमारा आराधना भी स्वीकार करते हैं, प्रार्थना भी सुनते हैं, उत्तर देते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के सम्मुख में आपको जब भी समय मिलेगा स्तुति आराधना करते रहिए, भले आप यात्रा करते समय हो ना कोई भी सेवा करते समय हो और कोई भी दूसरा घर का काम करते समय हो, आपका सेवकाई के बीच में और हर काम के बीच में भी आप प्रभु को महिमा करते रहिए, ताकि हमारा परमेश्वर खुश हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा और हमें आशीष भी देगा। इसके लिए प्रभु सहायता करिए। हालेलुया। मेरा भी स्वभाव ये है कि आज भी हमें परमेश्वर को जो समय देना है वो देके मैं और इस संगति में जुड़ा हूँ, और कल रात को जैसे वचन मनन करते समय जो वचन में पवित्र आत्मा अगुवाई किया था वही वचन आज आपको आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। यूहन्ना रजिस्टर समाचार 4:34। हालेलुया। और यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। धन्यवाद परमेश्वर पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा का अगुवाई के लिए। आप हमें सहायता कीजिए, हम तो मिट्टी है, कमजोर मानस है, आप हमें सहायता कीजिए ताकि आपकी महिमा हो जाए, हमारे सारे प्यारों का आत्मिक उन्नति भी हो जाए। सारी बातें आपके हाथ में सौंपते यीशु प्रभु के मीठा और मधुर नाम से मांगते सुनने और ग्रहण कर पिताजी, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। और एक बार फिर सारे प्रिय जनों को जितनों ने जुड़े हैं यीशु मसीह के नाम से मैं वंदना करता हूँ। जो वचन हमने पढ़ा है वो तो सुपरिचित वचन है, लेकिन पवित्र आत्मा कुछ वचन को याद दिलाता इतना है, ऐसा नहीं कोई नया नई बात हमको सुनाने के लिए है, बस हम वचन से ही आगे बढ़ते, वचन में आगे बढ़ते हैं, वचन से ही सुनते हैं। वो तो हमारे पास सबके पास है, सब लोग पढ़ते हैं जानते हैं, फिर भी जो वचन याद दिलाता है वो हमारे लिए एक वाणी हो जाता है।
वो पवित्र आत्मा उसके पीछे कार्य कर कर हमारे दिल से स्पर्श करता है। ये जो वचन हमने पढ़ा है, हम सब लोग जानने वाले वचन है, उसका पृष्ठभूमि भी हम जानते हैं कि हमारे यीशु प्रभु ने एक दिन समेरिया समेरिया में गया, वहां पर हालेलुया एक कुआ के पास बैठा, एक सामरी स्त्री वहां पर आई थी पानी निकालने के लिए, और प्रभु ने पवित्र आत्मा के अगुवाई के साथ उससे बात किया, वार्तालाप किया। इतना में वो स्त्री अपनी गलती को कबूल कर कर प्रस्ताव कर कर यीशु मसीह को ग्रहण किया। इतना भी नहीं, अपना जो उद्धार का आनंद शांति दूसरों तक पहुंचाने के लिए शहर में वापस चली गई। जो बर्तन लेके आई थी वो वहां पर छोड़ कर उसने पानी के बारे में भूल गया, बर्तन को भी हमें छोड़ दिया। मैं विश्वास करता हूँ केवल मिट्टी का बर्तन तो नहीं होगा, क्योंकि दूर लेके जाना है, शहर के बाहर आके वो पानी हमें भरने के लिए आई थी, भले पीतल का होगा या कोई दूसरा हमें लोहकन का होगा, लोहा का होगा, वो सब वो फूल गया, उसका कीमत फूल गया, सब कुछ फूल गई। और इतना में वो दौड़कर यीशु का साक्षी ठहरने के लिए शहर में गया, और लोग सब वहां से भीड़ होकर इकट्ठे होकर यीशु मसीह के पास आया, हालेलुया आए हैं। इतना में क्या है, प्रभु के चेले लोग जो भोजन लेने के लिए, खाना खरीदने के लिए जो गए थे, वे भी वापस आए और यीशु मसीह से इस प्रकार विनती किया, हालेलुया कि हे प्रभु हे रवि कुछ खा ले, तो 31 वचन में लिखा है। लेकिन यीशु ने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। यीशु मसीह ने एक गुप्त बात बताया अपने चेलों से, उन लोग नहीं समझा। अभी भी ऐसा है, बहुत सारे गुप्त बात वचन के अंदर दिया गया है, कितने लोग समझते हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही समझ पाएगा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और क्या, और यहाँ पर लिखा है तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है। हाँ, वो लोग अभी भी आर्थिक खाने के बारे में सोचते हैं, बस आर्थिक खाना हमारे लिए जरूरत है, हम तो रोज उसको लेते हैं, लेकिन फिर भी उससे भी बढ़कर हम जानते हैं कि उसके अलावा भी कुछ खाना हमारे लिए दिया गया है। वो आज हमारा मनन की विषय है। जैसे यीशु प्रभु का वचन हमने पहले सुना था, पढ़ा था, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा कर। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह का जो कहना है, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते हैं। तो कुछ बात जो दुनिया नहीं जानते हैं वो हमारे प्रभु के पास है, हमें परमेश्वर के पास है, वो हमारे पास भी पहुंचाया है, दिया गया है। बस आज मेरे वचन को, पवित्र आत्मा की शब्द को सुनने वाले मेरे प्यारों, याद रखना, हमारे पास जो दुनिया नहीं जानते है, हालेलुया, दुनिया नहीं पाए हैं, ऐसा कुछ आशीष है, वही हमारा खूबी है। अभी धन दौलत सबके पास है, कम ज्यादा तो होगा, लेकिन सबके पास तो है, थोड़ा बहुत तो लेकर ज्यादातर सबके पास है, लेकिन मेरे और आपके पास जो है दुनिया में सब लोगों के पास तो नहीं है। बस केवल वो जो लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार होते हैं, केवल उन्हीं के पास ही है। हालेलुया। आज मैं आपको इस प्रकार का सलाह देना चाहूंगा कि आप एक प्रभु का दास होने के नाते, एक दासी होने के नाते, हमारा जीवन में इस अनुभव को हम जरूर अनुभव करेंगे कि दूसरों के पास जो नहीं है, हमारे पास होने के लिए, रखने के लिए प्रयास करते रहे। हालेलुया। ये कैसे मिलेंगे, एक बात है, अभी देखिए 66 पुस्तक सबके पास है, लेकिन जिनके पास प्रभु ने दिया हुआ कुछ खास वचन है, संदेश है, वो तो उन्हीं के पास रहेगा।
हालेलुया। वो बिल्कुल सच्ची बात है। और इतना भी नहीं, हमें जैसे हमने बताया, परमेश्वर ने जो कोई उनके पास आता है उनको इस में वचन को या भोजन को देने वाला परमेश्वर है। जैसे यीशु मसीह ने कहा था कि हालेलुया, मेरे पास एक ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते, तुम लोगों को जो नहीं जानने वाले कुछ भोजन मेरे पास है। आज हम खुशी के साथ, हिम्मत के साथ, आनंद के साथ कहेंगे कि जो दुनिया के पास नहीं है ऐसे कुछ भोजन हमारे पास हमारे प्रभु ने दे रखा है, दिया गया है। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया री बाबा ला बशंदल रिखद रविगा। यही हमारा आनंद की बात है, यही हमारा गमन की बात है। हालेलुया। बाकी दुनिया से ज्यादा, दूसरे लोगों से ज्यादा मुझे धन इकट्ठा करना, नहीं तो उनसे ज्यादा बड़ा मकान बनाना, बड़ी कार लेना, वो नहीं। हमारे पास प्रभु से पाया हुआ कुछ अलग आशीष हालेलुया है, यही हमारा आनंद की बात है। मेरे प्यारो, जितनों के पास ये आनंद है, वो मैं आपके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। ऐसे जैसे यीशु मसीह ने कुछ वायदा दिया था कि प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय का 17 वचन में हम देखते हैं, जो लोग जयवंत जीवन बिताएगा उनको मैं हालेलुया इस प्रकार का मन्ना दिलाऊंगा करके वहां पर बताया गया है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय का 17 वचन में लिखा है, जिसके कान है वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं के क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक स्वेद पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले का सिवाय और कोई ना जानेगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर कई बातें बताया गया है, एक मन्ना के बारे में बताया। हालेलुया। वो तो भोजन के संबंध में है करके हम जानता है, शरीर के संबंध में है करके हम जानता है, जानते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह भी अपने चेलों से एक बार कहा, एक ने मत्ती 4:4 में से हमने देखता है, मनुष्य केवल दुनिया के रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलने वाली हर एक वचन से जीवित है करते करके हम देखते हैं, जीवित रहेगा करके हम देखते हैं। मेरे प्यारो, आज हम केवल शरीर का भोजन के बारे में नहीं बोलते, वरन परमेश्वर की आत्मा जो हमारे अंदर देने वाला स्वर्गीय वचन है, वो स्वर्गीय मन्ना हालेलुया उसके हम बताते हैं, संदेश जो बताता है, ये जो अनुभव हर एक सेवक को एक अलग व्यक्ति बना देता है, हर एक विश्वासी को एक अलग व्यक्ति बना देता है। इसलिए आज हालेलुया आप अपना जीवन में इस प्रकार का अनुभव के साथ यदि चलता है तो आप बिल्कुल धन्य है प्यारो, आपका जीवन हमें अलग है, आप खुद तृप्त हो जाता है, दूसरे को भी तृप्त दिलाने के लिए कोशिश करता है। हालेलुया, करेगा जरूर। जो आपके पास मिला गए, जब आप तृप्त होगा दूसरे को भी जरूर बांटेगा। हालेलुया, ये सारे आशीष प्रभु ने हमको दे रखा है। इसलिए यीशु प्रभु ने मत्ती 11 अध्याय का 28 वचन में इस प्रकार बताया है कि दुनिया के ज्ञानियों को छिपाकर, हालेलुया, इस प्रकार हम देखते हैं कि दुनिया के ज्ञानियों से बढ़कर हम साधारण लोगों को इस अनुभव प्रभु ने दिया है। मत्ती 11:25, आकर उसे छाड़ा बुहारा और सजाया पाती है तब वह जाकर, इस प्रकार हम देखते हैं, ओ सॉरी मैं लूक का पड़ा, मत्ती 11:25 में इस प्रकार बताया गया है कि, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया के ज्ञानियों के सामने हम तो कुछ भी नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामने हम श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि परमेश्वर अपना जो गुप्त बातें दुनिया के लोगों को नहीं
खोलकर नहीं बताते हैं, उनके लिए छिपा रखा है, परंतु हम बालकों पर प्रकट किया है। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। एक एक बात जब पवित्र आत्मा हमको सिखाते समय, समझाते समय, हमारा दिल इतना खुशी से भर जाता है, आनंद से भर जाता है, हमारा विश्वास बढ़ जाता है, हिम्मत बढ़ जाता है, हमारा कदम आगे बढ़ाने के लिए, सेवा आगे बढ़ाने के लिए, आत्मिक जीवन आगे बढ़ाने के लिए, प्रार्थना जीवन आगे बढ़ाने के लिए कारण हो जाता है। हालेलुया। हम जानते हैं हमारा नमूना, हमारा मॉडल इस दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं, वरन यीशु प्रभु है। यीशु प्रभु हमेशा अपना पिताजी के संपर्क में रहता था, संबंध में रहता था, प्रार्थना में लगा रहता था। इस कारण से हर एक दिन के लिए जो जरूरत है, शक्ति हो, हल बल हो, ज्ञान हो, चमत्कार करने का विश्वास हो, ताकत हो, वो सब परमेश्वर के तरफ से पाते थे, परमेश्वर देता था, हालेलुया दिया जाता था। इसलिए हमारा भी आत्मिक जीवन का हर एक कदम आगे बढ़ाने के लिए, उन्नति पाने के लिए हम परमेश्वर के संपर्क में रहना है और आगे बढ़ना है। अभी मैंने बोला हमारा प्रभु का दर्शन हम पाकर आगे बढ़ने वाला है। उन्होंने ये बात यहाँ पर स्पष्ट बताया, उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। आमेन हालेलुया। प्रभु के पास गुप्त भोजन है, वो केवल स्वर्गीय मन्ना इतना भी नहीं, वो भी परमेश्वर ने अपने लोगों को बांटा था, स्वर्गीय पानी पिलाया था, आज भी पिलाते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के तरफ से मिला हुआ पानी जो पवित्र आत्मा को पीकर हमारा पेट को नहीं, दिल को भर देते, संतुष्ट हो जाते हैं। हालेलुया। इस प्रकार हर एक स्वर्गीय आशीष परमेश्वर ने हमें दे रखा है। इतना भी नहीं, हम इस वजन से इस प्रकार समझ लेंगे कि मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलना। हल दो बात यहाँ पर स्पष्ट बताया, एक है हमारे चाल चलन, दूसरी है हालेलुया उनका काम पूरा करना, प्रभु परमेश्वर का काम पूरा करना। हमें यीशु मसीह का भोजन, स्वर्गीय भोजन यही था कि प्रभु का, परमेश्वर जिसने उनको भेजा है, उनका इच्छा को, उनकी इच्छा को पूरा करना है और उस हिसाब से चलना है और उसका काम पूरा करना है। हालेलुया। सुनिए, दो प्रकार हमारा सेवकाई हम इस दुनिया में करना है, एक है हमारा चल चलन के द्वारा, दूसरी है हमारा सेवकाई के द्वारा, काम हालेलुया करने के द्वारा। अभी दोनों बिल्कुल सरका है। हालेलुया। एक जो सिक्का का दो भाग जैसे, एक कॉइन का टू साइड्स, जिस प्रकार हमारा चल चलन और हमारा काम दोनों हम लेके चलेगा, तो एक बात बिल्कुल सच है कि हमारा परमेश्वर जो स्वर्गीय पिता है वो बहुत खुश हो जाएगा, उनकी इच्छा हमारे जीवन के द्वारा पूरी हो जाएगा। हम जानते हैं एक एक दिन हमारा दिल खुशी से भर जाता है, आनंद से भर जाता है और हमारा आत्मिक जीवन मजबूत हो जाता है, मजबूती की ओर आगे बढ़ता है, इसलिए कि हम परमेश्वर की इच्छा को इस प्रकार पूरी करने से। हालेलुया। वो किस प्रकार है? एक है हमारे हरेक चल चलन में परमेश्वर की वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार हमारा जीवन को चलाने के वजह से हालेलुया हम संतुष्ट हो जाता है, संतृप्त हो जाता है और आगे कदम बढ़ाता है। और इतना भी नहीं, यीशु मसीह हमें समरिया में इसलिए आया कि वहां पर जो व्यक्ति, स्त्री आने वाली है, वो हालेलुया सच्चाई को नहीं जानती है, पाप में डूबी गई है, उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, बचाने के लिए, प्रभु में लाने के लिए, प्रभु का साक्षी ठहराने के लिए प्रभु ने इच्छा रखकर वहां पर आया। हम भी इसी प्रकार चाहेंगे, इच्छा रखेंगे कि प्रभु जी मेरे जीवन के द्वारा आपकी इच्छा पूरी हो जाए। एक मेरा चल चलन, दूसरा है जैसे मेरा यीशु मसीह आत्मा के लिए हमें हालेलुया दौड़ते रहा, भागते रहा, उसके हल मेहनत करते रहा, इसी प्रकार मैं भी हालेलुया रोज मेरा जीवन को प्रभु की महिमा के लिए समर्पण करके हालेलुया हम समर्पण करते हुए
आगे बढ़ेंगे तो मेरा परमेश्वर जरूर आपकी इच्छा को पूरी करेगा। आप स्वर्गीय मन्ना जो गुप्त बातें के द्वारा, आशीषों के द्वारा आशीष पाने के लिए कारण हो जाएगा। आज मैं आपको इस प्रकार का चुनौती देना चाहता हूँ कि हालेलुया, और बाकी लोगों से बढ़कर हमारे पास कुछ अलग आशीष जो स्वर्ग से हमें दिया गया है वो हम पाकर आगे बढ़ेगा तो आप कभी निराश न होगा, दुखी न रहेगा, वरन हमेशा शांति के साथ, आनंद के साथ आगे बढ़ने के लिए कारण हो जाएगा। मेरा जीवन का भी रोज का यही अनुभव है, जैसे प्रभु के चरणों पर बैठने के कारण रोज के लिए जो संदेश भेजना है उसके लिए भी परमेश्वर स्वर्गीय वचन, स्वर्गीय संदेश दे देता है। इतना भी रविवार का जो संदेश, मेरा नाम आप यूट्यूब में हालेलुया देखने से आपको मिलेगा, मैं भी दोबारा जब सुनते समय हमें परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देने के लिए कारण हो जाता है कि हालेलुया परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे पास जो पहुंचाता है वो हमारा बुद्धि से भी बाहर है, हम सोच भी नहीं सकता है, कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा जब हमको सिखाते समय हम भी सीख लेता है उसमें से। हालेलुया, जैसे एक बार मैंने एक शीर्षक इंग्लिश में डाला है, हिंदी में वचन सुनाया है, हमें डिसिपल्स आर नॉट बॉडी गार्ड्स बट सेफ गार्ड्स। हालेलुया, प्रभु के चेले लोग प्रभु को सुरक्षा देने वाला नहीं थे, लेकिन प्रभु का वचन का और उनका उपदेश का, हालेलुया, और उनका पवित्रता का सुरक्षा दिलाने वाले लोग थे। इसके संबंध में हमें एक कुछ समय पहले मैंने सिखाया था, हालेलुया। इसी प्रकार मेरे प्यारों, हम हमेशा पवित्र परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के तरफ से हमें और कुछ नया आशीष पाने वाला जरूर बनेगा तो हमारा जीवन बिल्कुल अलग रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, अनेकों के लिए आशीष का कारण बन जाएगा। बाकी लोगों के पास पैसा होगा वो तो सबके पास है, जैसे पहले मैंने बताया, हालेलुया, लेकिन आपके पास जो परमेश्वर से पाया हुआ आशीष रहेगा तो आप बिल्कुल संतुष्ट रहेगा, आनंदित रहेगा और अनेकों के लिए आशीष का कारण बनेगा। आज के जमाने में हाल इनके पास पैसा है वो उनके लिए जीवन बिताते हैं, लेकिन हम प्रभु के दास लोग, दासी लोग अभी दूसरों के लिए हमारा कीमती समय का खर्चा करते हुए, प्रार्थना बिंदी करते हुए परमेश्वर का संदेश प्राप्त कर बांटते रहते हैं। हालेलुया, इसमें हमें कोई दूसरा लक्ष्य नहीं। हालेलुया, हमें कोई भी परिस्थिति से गुजरने का होगा, कोई भी क्यों न होगा, लेकिन हमारा जीवन में इस स्वर्गीय शांति दिया गया। इसलिए मेरे यीशु ने यूहन्ना 14:27 में बताया, मैं अपना शांति तुमको दे देता हूँ, वो जैसे दुनिया देता है वैसे नहीं। हालेलुया, और मेरा शांति जो मैंने तुमको दिया है वो किसी ने तुमसे छीन कर नहीं लेगा, वो तो हमेशा रहने वाले है। हालेलुया, मेरे प्रिय जनों, प्रेज द लॉर्ड, हम पहले पर प्रभु का दास हो या विश्वास जन हो, आज पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता है कि हालेलुया, और दुनिया जो नहीं जानने वाले कुछ गुप्त बात हो, गुप्त संदेश हो, गुप्त आशीष हो, वरदान हो, जो भी हो, आप और मैं पाकर हमारा आत्मिक जीवन और सेवगाई को आगे बिताने से कोई शंका नहीं, जरूर आपको परमेश्वर आदर मान सम्मान देने वाला है। हालेलुया, नीचे देखेगा तो 2-3 बात हम समझ कर पाते हैं। आप ज्यादातर अपने घर पे पढ़िए। अभी यीशु मसीह एक कटनी के बारे में बताता है, हालेलुया, और उनको सलाह देता है, आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए एक पक चुके हैं। आमे, दुनिया ये बात देख नहीं सकेगा, दुनिया को ये बात समझ नहीं कर सकता है दुनिया, हालेलुया, लेकिन अभी सताव के बीच में भी हम लोग जानते हैं कटनी के लिए बिल्कुल एक सही समय है, और प्रभु की स्तुति हो। हमारे बीच में भी पिछले रविवार को एक गीता बहन और परिवार आए थे, हालेलुया, वो इतना परेशानी में था, उठना बैठना चलना फिरना सब मुश्किल थी, लेकिन प्रभु ने हमको ऐसा एक मौका दिलाया वहां जाने के लिए, और पिछले मंगलवार को भी हम उनका मुलाकात लिया था, बोला आज मैंने
खुद जातू झाड़ू पोता किया, साफ सफाई किया, बर्तन धोया और सब किया, और फिर भी प्रभु अभी उनको सुरक्षित चलाता है। सीढ़ी चढ़ के आराधना के लिए आई थी और दूसरे एक हालेलुया गुप्ता जी है, वो लेटा हुआ था जिस दिन हम मिलने के लिए गए, उनके बेटा के तरफ से हमें आमंत्रण मिला था। उसने बोला मैं आज दोपहर को खाना नहीं खाया, करीबन 1-1.30 बज गए थे, और बोला मेरे को मन नहीं लग रहे, हजम नहीं हो रहे। हमने हमारे लिए कुछ समय वचन सुनाया, प्रार्थना किया और उसके बाद बोला अभी आप खाना खाओ। उसने 3 रोटी और सब्जी सब खा लिया खुशी के साथ, हालेलुया। मेरे कहने के तात्पर्य हम तो साधारण लोग होगा, लेकिन हम नजर उठाकर देखते समय हालेलुया हमारे सामने हमें खेत पका हुआ हम देखते हैं, हालेलुया। आज मैं इस प्रकार आपको भी यीशु मसीह का दर्शन पाकर जाने के लिए, एक स्त्री के लिए लोग बोलते 40 या 60 किलोमीटर पता नहीं, सुबह सुबह उठकर बेचारा दोपहर तक वहां पर पहुंच गया, यीशु मसीह का चलना देख के वो बहुत तेजी से चलते हुए देखता है, हालेलुया। जब हम कुछ हमें वीडियो देखते समय भले कुछ भी हो और हम भी तेजी से चलेंगे आगे, हालेलुया। काय के लिए? दुनिया कमाने के लिए नहीं, आत्मा कमाने के लिए और उसके लिए प्रार्थना करने के लिए। सुबह 4 बजे क्यों उठना है? दुनिया कमाने के लिए नहीं, आत्मा का आशीषों के लिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर लिखा है, एक बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा इस प्रकार की, हालेलुया, काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। काटने वाले को और बोने वाले को अपना मजदूरी मिलेगा, इतना भी नहीं, अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है। अनंत जीवन में जब हम जाएगा वहां पर हम कुछ फल देखना है, तो इधर दो काम करना है, एक बोना है, दूसरा काटना है। अभी दोनों सरका है, कौन बोता है कौन काटता है वो बड़ी बात नहीं है। आपने शायद सोचते होंगे मैं आज तक कुछ काटा नहीं है, सिर्फ बोता रहता है। चिंता मत करना, आपको भी फल प्रतिफल तो एक ही समान है, काटने वाले को और बोने वाले को प्रभु प्रतिफल देने वाला है करके अगले वचन में लिखा है, क्योंकि दोनों मिलकर आनंद करेगा करके लिखा है, इतना भी नहीं। क्योंकि यहां पर यह कहावत ठीक बैठती है, बोने वाले और है और काटने वाला और, मैंने तुम्हें यह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। हालेलुया। बस कुछ लोग बोते हैं, कुछ लोग काटते हैं। आपने जो परिश्रम करने बिना कुछ काटता है तो इसका अर्थ और किसी ने आपके लिए परिश्रम किया है, और आप परिश्रम किया कुछ नहीं काटता है तो दूसरा काटने के लिए आपने एक कारण बनाया। लेकिन आपका भी जीवन में जरूर आप इस प्रकार का अनुभव पाएगा, काटने के लिए इस प्रकार का एक सेवकाई प्रभु हमारे हाथ में सौंपा है। भले तकलीफ हो, मुसीबत हो, लेकिन हमारे पास मिला हुआ जो आशीष है वो दुनिया के जैसा नहीं है, दुनिया दे नहीं सकता है। हमारे जीवन में निंदा है, अपमान है, सताव है, कष्ट है, हालेलुया, लेकिन फिर भी हम हमें थक ना जाए, पीछे हट ना जाए, वरन निराश ना होवे, गिर ना जाए, वरन हम मजबूती के साथ हमारा आत्मिक जीवन को आगे बिताए। हालेलुया। हम भी आनंद के साथ यीशु के समान जीवन भी जिए और काम भी करे। हालेलुया। और क्योंकि यीशु ने हमें इसी के लिए बुलाया है, उनके जैसे जीना भी है, उनके जैसे काम करना भी है। हालेलुया। आज के जमाने में कुछ लोग यीशु के जैसे काम करना चाहते हैं, जीना और बहुत मुश्किल से चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले लिखा है मेरे परमेश्वर के अनुसार, इच्छा के अनुसार मैं चलूं, उसके बाद काम भी करूं। हालेलुया। हम जीवन भी जिए, काम भी करें, ताकि हमारा यीशु मसीह का आशीष हमारे ऊपर भी बरसाएगा, हाल उंडेलेगा, और हम भी अनेकों के लिए जैसे यीशु प्रभु ने आशीष का कारण बना, हम भी आशीष का कारण बन जाए।
हालेलुया। ये सारे शुभकामनाएं मेरे सुनने वाले सारे प्यारों को भी देते हुए, हालेलुया, आप ये बात समझना, आप कितना कमाया ये बड़ी बात नहीं, लेकिन कितनों के लिए अपने आशीष का कारण बना ये सबसे बड़ी बात है। हाउ मेनी पीपल यू टस्ट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट दैन हालेलुया हाउ मच यू अक्यूमुलेटेड फॉर यूर सेल्फ। हालेलुया, वो तो बहुत मामूली बात है, लेकिन हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनकर आगे कदम बढ़ाएंगे सेवकाई में, प्रार्थना जीवन में आगे बढ़े, आपका कीमती समय को खर्च कर हालेलुया आप इस प्रार्थना संकति में ऑनलाइन में जुड़ते हैं, जुड़ती है, मेरा प्रभु वो सब लिख के रखकर आशीष समय पर देने वाला है। आशीषों से प्रभु आपको, आपका परिवार को, आपका पीढ़ियों को आशीष से भरपूर करे, प्रभु के दासों को, प्रभु के दासियों को, खासतौर पर साजन ब्रदर, विजी सिस्टर, मम्मी, सबके सबको मैं धन्यवाद करता हूँ, आदरणीय प्रभु का दास को, और एक बार उनका सेवगाई के लिए भी मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, प्रेयर लाइन के प्रभु का दासी दासों के लिए, संचालकों के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु सबको आशीष दे। हमारे लिए भी आप लोग प्रार्थना करते हैं, मैं विश्व जान देखा भी है, सुना भी है, जानता भी हूँ, आपको प्रभु प्रतिफल दे, मेरा शब्द में समाप्त करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर द प्रेशियस डे। आमीन, धन्यवाद।